हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये देखें मौसम कितना प्यारा है, पर इतना प्यारा नज़र आ रहा है। अभी बारिश भी हो रही थी लेकिन थोड़ी देर पहले, लेकिन अब बारिश रुक गई है, शुक्र है। पर गर्मी की पहली बारिश आ गई है। अच्छा, और ये देखें घर का हुलिया बारिश की वजह से कैसे बना हुआ है। अभी तो हमें जाना था वहाँ पे मुजफ्फरपुर, तो ना आई चाची बुलाने के चलते हैं, लेकिन भाई ने कहाँ पर जाना था इसलिए मुझे सफर घर नहीं कर रहा, तो बहुत मज़ा आता। और आपको ऊपर में चल के वो दिखाती हूँ कि पूरा व्यू कैसे लग रहा है ऊपर ऊपर का। वरना तो हम ऊपर सोते होते हैं, लेकिन रात को इतनी बारिश थी इसलिए ना ऊपर सोए भी नहीं है। मुझे तो बहुत गर्मी लगती है ना, इसलिए हम ऊपर आए थे सोने के लिए, लेकिन ना इतनी तेज़ बारिश हुई है फिर नीचे चले गए हैं। ये देखें यहाँ का मौसम है, कितना प्यारा लग रहा है, इतना ज़बरदस्त है, पूरा बहुत प्यारा लग रहा है। हमारे ऊपर चूज़े भी हैं लेकिन मैं बंद की हूँ। अब मैं ऊपर चल के दिखाती हूँ बाद में, लेकिन अभी ये देखें हमारे पौधे लगा तो रखे हैं, लेकिन उसके ऊपर कहीं पौधे वगैरह नहीं उगे हुए, क्योंकि धूप वगैरह आती है तो फिर सही तरह उनके वो नहीं होते, और मतलब सही तरह वो नहीं हो उगते नहीं है, तो सारे देखे उसके उतरे पड़े हैं वो पत्ते वगैरह। वरना तो यहाँ पे टमाटर भी लगते हैं, करेले भी लगते हैं, मिर्चें भी लगी थी बहुत ज़्यादा, हमें तोड़ी भी हैं नीचे से ही, और थक गई है मैं नीचे ऊपर आके। मैंने सफाई नीचे से करना, बस झाड़ू लगाई है, पोछा लगाना है। मैंने कहा पोछा नहीं लगाती क्योंकि बारिश भी उग सकती है, फिर सारी मेहनत पर सारा पानी फिर जाता। अब मैं चलती हूँ ऊपर, ऊपर जाके आपको सही तरह नजर आएगा, बिल्कुल सही का सही। बच्चे गए मैं पढ़ने, मेरे बहन भाई गए पढ़ने, जैसे वो पढ़ के आएंगे तो घर में शोर होगा, अभी तो सुकून है। मैंने कहा चलो व्लॉग बना लेती हूँ, वरना वो घर होते ना फिर व्लॉग नहीं बन देते वो। हेलो, ऊपर घर का खुलिया देखो, ऐसा रहा बारिश की वजह से है। अल्लाह, अब यहाँ से तो परफेक्ट नज़र आएगा, देखो इतने ब्लैक क्लाउड्स हैं परे। कल तो बहुत तेज बारिश हुई है। और आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। वरना तो मैं एकेडमी जाती हूँ पढ़ने, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, आज संडे था तो मैंने क्या सोच लो बना लेती हूँ। इस मौसम में तो बस खाने का कुछ होना चाहिए, लेकिन हमने तो कल बनाया था सामान खाने के लिए, चिप्स वगैरह हो गई, गोलगप्पे वगैरह हो गए। फिर मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मैं एकेडमी से थकी हुई थी ना, तो मैंने इसलिए व्लॉग नहीं बनाया। फिर मैंने कहा चलो आज फ्री खड़ी हूँ और बच्चे भी घर में नहीं है, तो इसको उससे बना लेती हूँ मैं। और मैं देखती हूँ कि टी वगैरह बनाने का सोच रही हूँ कि टी बना लूँ, क्योंकि समोसे में टी पीने का अलग ही मज़ा है। पीछे आपको ना मुर्गों की आवाज़ भी, अजान की आवाज़ भी आ रही होगी। ये हमारे हैं चाची वालों के मुर्गे, मैं आपको दिखाती हूँ, क्या पता बाहर निकले हों। हाँ देखे ये खड़े हैं, अभी हमारे भी हैं पर चूज़े, लेकिन ना वो बहुत छोटे हैं, पर मतलब कि सही हैं, अभी नॉर्मल हैं, पर अभी वो अजान नहीं देते। इनको हमने क्या हुआ है बंद, क्योंकि इनको ना हमने सुबह सुबह आगे खोल लिया था और इनका दाना वगैरह डाले था, आगे खा पी के स्कूल से अंदर रेस्ट कर रहे हैं। और हमारी एक मुर्गी बेचारी थी, वो बेचारी मर गई है, पता नहीं उसको क्या हुआ है। हम जैसे भी ऊपर आए ना तो देखा था उसकी ना ऐसे पत्नी पानी भी नहीं पी रही, कुछ भी नहीं पी रही थी। हमने क्या पत्नी से क्या हो गया, देखे उल्टियाँ करने लगी है मुँह से, सारी ज़ाया हो गई। अब एक और मुर्गी है, उसकी भी टांग पत्नी लंगड़ा लंगड़ा के चढ़ी है, पत्नी उसको क्या हुआ, दुआ करो वो भी ठीक हो जाए। हमने जाना था 12, तो ना हम प्रोग्राम तो मैंने बनवाया था कि चलते हैं 12 पर चलते हैं, लेकिन ना तबीयत मेरी ख़राब थी, क्योंकि जाना तो असल मैंने था, क्योंकि मैंने प्रोग्राम बनवाया था। हाँ अभी भी गर्मी लग रही है। अच्छा उसके बाद हम गए नहीं, फ्रेंड्स वगैरह भी बात करती हैं कि ट्रेन पर चलते हैं ट्रेन पर चलते हैं, लेकिन अब मौसम बेहतर है पहले से, अब ठंडा ठंडक है, जब गर्मी होती है ना ज़्यादा ना आता है मज़ा। जब भी ट्रेन की बात करते हैं तो मौसम इतना खूबसूरत हो जाता है। अभी बादल हैं, क्या पता अभी बारिश हो जाए, लेकिन अभी ना हल्का हल्का ना हबस हो रही है, मतलब कि गर्मी महसूस हो रही है हल्की हल्की, ऊपर ही ना छत पे तो ऐसे गर्मी गर्मी पसीने आ रहे हैं। अब मैं नीचे चलती हूँ, जाकर देखती हूँ कि
टी बनानी है या नहीं बनानी, क्योंकि मेरा मम्मा नीचे इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा था कि टी बनाते हैं, मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना लूँ, फिर उसके बाद ना आके मैं नीचे टी बनाती हूँ, उसके बाद पियेंगे, क्योंकि इस मौसम में टी पीने का अलग ही मज़ा होता है। माना तो मेरी टी फेवरेट है, पर जब मुझे जब मर्जी दे दो पीने के लिए मैं पी लूँगी। अब मैं चलती हूँ नीचे, ये सीढ़ियाँ हैं लकड़ी वाले में, डर लगता है उतरने में भी। अय हाँ जी, मैं नीचे उतर आई हूँ और 10th क्लास वालों का रिजल्ट भी आने वाला है, वो भी 9 पर, और 10 बजे होगा रिजल्ट। जो जो 10 में पढ़ता है वो कमेंट करके बताना उसके क्या नंबर आए हैं। चलो मैं चलती हूँ नीचे, अब जाकर टी वगैरह बनाती हूँ। ये देखिए जी, मैंने इसमें मिल्क, शुगर एंड टी और इलायची डाल दी है। अब जल्दी बन जाए, उसके बाद हम कप वगैरह में डालते हैं, उसके बाद हम पियेंगे। नहीं अभी तो मैंने इसलिए कम बनाई है क्योंकि मम्मा और मैंने पीनी, क्योंकि बच्चे तो घर है नहीं, और ना तो वरना बैठे होते ना वो कहते हम भी पीते हैं, हम भी पीते हैं, इसलिए वो गए हुए पढ़ने। मैंने चलो उनके पीछे पीछे मैं बना के पी लूँ। चूल्हे के नीचे ना आग जला रही थी मेरी उंगली में, पत्नी क्या हो गया, इतने ज़ोर से ना जल गई है यहाँ पे, देखें इस अंगूठे पे इतना दर्द हो रही, जलन हो रही है। क्योंकि वो लाइटर है ना, लाइटर तो लाइटर से हम चलाते ना, तो वो लाइटर से जो लाइटर को हमने दबाया है ना, वो ऐसे दबाया मेरे हाथ का कर गया फायर, और जलन हो रही है। मैं कोलगेट ट्यूब लगाती हूँ दांतों वाली, फिर ज़्यादा मुझे फर्क पड़ेगा। ये मैंने ट्यूब लगा ली है और ये मैंने कब भी निकाल ली है, आपको नज़र आ रहे होंगे। अब मैं देखती हूँ कहाँ तक टी पकी है, उसके बाद अगर बन गई है ना तो उसके बाद हम डाल के देते हैं। मैं तो उससे मलाई डाल के पीऊँगी, क्योंकि मलाई डाल देना और मज़ा आता है, मुझे मलाई वाली चाय का बहुत पीने का मज़ा आता है। सबको ना मेरी हाथ की टी पीने का ना बहुत शौक है, उनको ना कहते हैं आपकी टी की हाथ की टी होती है ना वो बहुत मज़े की होती है, तो जो भी आता है ना पी, जो भी कहते हैं कि पिलाओ, तो मैं वो कहते हैं आप बना के पिलाओ, मुझे आप पसंद है। ये देखें हमारी टी रेडी हो गई है, ये देखें इसमें मैंने अपनी डाली है मलाई, क्योंकि मेरी मम्मा को ना मलाई और चाय पसंद नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो अब मैं शुगर के साथ लेके जाऊँगी, क्योंकि मेरी मम्मा तेज़ ज़्यादा मीठा ज़्यादा पीती हैं और मैं कम पीती हूँ, इसलिए साथ लेके जाऊँगी, जो अपनी मर्ज़ी जितना होगा डाल लेंगे, क्योंकि मैंने बस नॉर्मल रखा है, बस ना इतना मीठा ना इतना हल्का ना तेज़, नॉर्मल रखा है। हमने टी पी ली है और ये मम्मा बैठ के मोबाइल देख रही हैं, इनका बस मोबाइल के अलावा कोई काम नहीं आता। जब से आ जाएंगे इसलिए फारिग हूँ, मैं कुछ देख लूँ, फिर उन मेरे हाथ में मोबाइल आता नहीं है, सब काम तो बच्चों के होते हैं। हाँ बारी लगी हुई है, कभी वो मेरा मोबाइल खा लेते हैं, उसके बाद है जब हम मोबाइल खाते हैं तो मम्मा कहती हैं तुम पढ़ाई करो, तुम्हारे दिन है ये पढ़ने के, तुम्हारे पढ़ने के दिन है, तुम पढ़ो अपना तैयारी करो, अब देखो रिजल्ट आ रहा है, अल्लाह करे आप मतलब कामयाब करे आप। आमीन, दुआ करना मेरे लिए मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए। परसों रिजल्ट है, अब सोच के वो डर भी रहता है कि कैसे आता है रिजल्ट, अल्लाह करे अच्छा आ जाए, वैसे पेपर तो अच्छे हुए थे। बस पेपर अच्छे हैं फिर तो उम्मीद है अल्लाह से, अल्लाह करे बस कामयाब हो जाओ अच्छे नंबरों से। आमीन। और आप क्या बनाओगे खाने में? खाने में भैया तो ले आए हैं ना करेले भी आए हुए हैं और भिंडियाँ भी हैं पड़ी, अब चाहे तुम्हारा दिल करे। हाय हाय, भिंडियाँ भी नहीं, करेले भी नहीं, सब्ज़ी नहीं, कोई मज़ेदार चीज़ हो। मज़ा हो क्या चाहिए, सब्ज़ी खाने का दिल नहीं करता। अब आई हुई है पकाई तो है ना, आप क्या खाओगे? ये दो सब्ज़ियाँ पड़ी हैं अभी, देख लेना ना आप, और गोश्त पड़ा हुआ है। हाय खाते नहीं हो गोश्त तो? कल हमने मंगवाए थे, कल जो पीस मंगवाए थे वो उनको मसाला गया था, हमने फ्राई किया था, क्योंकि मेरी मम्मा के जो पीस होते हैं ना बने हुए बहुत मज़े के होते हैं, जैसे बाहर से नहीं मिलते वैसे होते हैं मज़ेदार, लेकिन मैंने नहीं खाए, मैंने फिर भी नाश्ता चलो से किए चने खाए थे। चलिए अच्छा। 5 hours later हम सब सो गए थे और आप सो के सारे उठ गए हैं, अब हम करते हैं लंच। ये मेरी मम्मा अभी ना लंच का सामान निकाले हैं, अब रोटी वगैरह बनाएंगी, और ये हैं बैगन की टिक्कियाँ जो मैंने मसाला लगा ली है, इतनी मज़े की बनती हैं, मेरी तो फेवरेट है बड़ी। और ये मेरी बहन गंजी है, इसको हमने इसकी टिंड करवा ली है, इसको शर्म आ रही है,
इसके बाल ना अच्छे बड़े लेकिन ना इसके बाल में ना और छुपा रही क्यों इसमें ना ना करे और ये मेरी बहन काम कर रही है अब हम मैं सोच रही हूँ कि ऊपर जाकर ना झूला बनाऊँ उसके बाद में ना बैठ कर एंजॉय करते हैं उसके बाद फिर रोटी वगैरह हम खा लेंगे रोटी वगैरह खा लेंगे उसके बाद एंजॉय करेंगे ऊपर छत पर जाके हम रोप वगैरह जाके ढूंढते हैं फिर उसके बाद झूला वगैरह बांध लेते हैं फिर छत पर जाकर ना चूजों वगैरह खोलते हैं उनको दान डालते हैं जब तक हमारी रोटी बन जाएगी फिर रोटी वगैरह खा लेंगे फिर उसके बाद रखते हैं ये हमें रोप मिल तो गई है लेकिन इससे ना सोलर प्लेट बांधते हैं अब तो वैसे धूप चली गई है तो अब हम इसको उठा के इसके साथ बांधेंगे क्योंकि ये वैसे ही मजबूत नहीं है ये ना गिरे पड़े हों ये मिल गई है मेरी बहन ने ये ढूंढ ली है अब हम बांधते हैं चलो बांध बनवाओ मेरे साथ आके इस ये चार पाई है पर ये वाली ये ज़रा मजबूत ऐसे बांधेंगे पहले ये हटवाओ अलीशा अलीशा ये हटवाओ पहले इसको साइड पर लगवाओ वहाँ पर रखना है वहाँ पर आई बड़ी भारी है ये तो नहीं उठ रही ए हाय नहीं उठ रही मैं अभी उठवाते हैं सब करो ये मैंने चार पे वहाँ रख दिया है वहाँ देखो ज़रा यहाँ रख दी है अब मैं ये इस चार पे घर बांधती हूँ रो कि इसके ऊपर से ये पैक किया फिर जाकर हम धुल लेंगे पहले भी हम लेते थे लेकिन आज हम हमारे करें क्या ज़्यादा हम इंजॉय करें घर में तो एक बंदा बोर बैठा रहता है बोर बैठा रहता है टाइम ही नहीं गुजरता मैंने चलो यही कर लेते हैं और आज अच्छा भी मौसम है अच्छा जी मुझे पता ही नहीं था अल्लाह मेरे हाथ में नजर लगी है इतनी जोर से पता नहीं अब हाँ वैसे भी लड़कियों के पास जोर कम होता है जोर होता है सारे लड़कों में है यार ये कितनी औसम है यार अब मैंने बांध कर लिया ये ना खुल जाए ये रख नीचे गिरे पड़े हो सही है अब ये बन गया सही है खेचो बंद तो गया पता नहीं है मजबूत है या नहीं है नाक तो मजबूत रहा चलो अंदर से जाके पिल्ला लो देखते हैं ट्राई करते हैं कैसे बनना है जल्दी जाओ अब शुक्र है हवा चल रही है पहले सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा हवा नहीं थी इसलिए मैंने कि चलो शाम को जाएंगे जाके पे करेंगे चलो यहाँ रखो ये ले ये पिल्लो अब इसमें रखेंगे सब ऐसे नहीं ऐसे खोलो रस्सी को खोलो चलो जी ये हमारा झूला बन गया अब लो ज़रा मजा आ रहा है जी। सही बनना है चलो ये है कि छोटे बच्चे ना एंजॉय कर लेते हैं ना क्योंकि हमारी जगह नहीं है बांधने के लिए कि भाई कहाँ बांधते वरना हम बांध लेते हैं लेकिन ये मेरा छोटा सा आइडिया काम कर गया है देखो ये बन गया सही तरह अब मैं भी लेती हूँ ज़रा उठो मैं भी चल लेके देखूँ मैं तो पूरी भी नहीं आऊँगी इसमें एंजॉय कर रही है अब आई बहन भाई भी आएंगे वो भी उनको पता चला ना कि मैंने झूला बनाया है वो तो भी आके इस पर बैठ जाएंगे फिर उठेंगे भी नहीं हमें नहीं लेने देंगे झूले इसलिए तो कह रही पहले तुम जल्दी ले लो अब जब तक ये झूले ले लें मैं ऊपर जाके अपने चूजों को दाना डालती हूँ बेचारे वो भी भूखे खड़े होंगे उनका भी टाइम हो गया खाने का दाना ऊपर है पड़ा ऊपर लेना ऊपर जो फिर हो भी ना फिर दोबारा से नीचे आना पड़े चलो ठीक है ये टुकड़ हैं पर ये खाएंगे इनको अब ऊपर लग जाती हूँ फिर दिखाऊंगी आपको अपने चूजे माशाल्लाह पहले से बड़े हो तो गए हैं हेलो गाइस मैं ऊपर आ गई हूँ और अब मैं चूजे मारे को खोलती हूँ बेचारे वो भी भूखे खड़े होंगे उनको तो भूख लगती है ना उनका भी ध्यान रखना पड़ता है खाने पीने का यहाँ अगर ना चूज़ों को सही तरह हमने ऐसे इसलिए मजबूती से किया हुआ यहाँ पे बिल्ली भी आती होती है इसलिए हमें डर होता है कि बिल्ली ले ना जाए
पहले भी हमारे एक चूजे को ना बिल्ली ले गई थी, बड़ा अफसोस हुआ था। मेरा भाई अपने शौक से लिया था, लेकिन ना बेचारी छोटा सा था, इतना सा चूजा, उसको बिल्ली उठा के ले गई थी। ये देखें, ये हमारे चूजे वगैरह निकल आए हैं, अब इनको देखें भूख लगी हुई थी ना, इसलिए मैंने अब सामान अपना खा रहे हैं। उसके बाद अनिशा, ऊपर वाटर तो नहीं है अपन की जगह में, तो आप वाटर तो लेती हो ऊपर, आप झूला में खड़ी हो गई हो, जल्दी उठा कर ले जाओ, उनको भूख लगी हुई, प्यास लग रही है। अपने तो खाने खाओ, तुम्हें होश होता है, दूसरों के खाने का होश नहीं होता तुम्हें। उठ जाओ ऊपर आ कर ले जाओ पानी आके। बोतल कहाँ पे है, बोतल में भरती हो, ये पड़ी है चार पे के साथ। चलो जी आप इंजॉय कर खाएं, आपको भूख लग रही है। जब तक मैं अपनी वीडियो शूट कर लूँ, जब तक पानी आ जाएगा ऊपर, तो फिर मैं चूज़ों को दे दूँगी। इतनी देर के बाद मेरी वीडियो बन ही गई बस। और ये मेरी बहन वाटर भी ले आई थी, अब मैं उनको पानी डालती हूँ। उसके बाद ये खाना वगैरह खा लें, फिर मैं अपना भी नीचे आगे खाना खाना है। हाय अल्लाह, इतना गंद है उनके घर में भी, आए हाय। ये तो बस नीचे खड़े होकर अभी भी झूले खा रही है, उसको झूला लगा के दे दिया है, मैं उतार लूँगी रात रात तक। इन्हें मरना तो, इन्होंने पढ़ने भी नहीं जाना, बस इन्होंने ये काम ही करना है। फिर मम्मा मुझे गुस्सा करेंगी, कहेंगी मैं तुमने लगा के दे दी है, अब ये ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं। अब मैंने पानी डाल लिया है और जो पीते हैं, तो फिर मैंने कि अब देखूँगी, अगर भाई होंगे तो उनको बुला लूँगी, कहूँगी इनका ध्यान रखो। उसके बाद फिर मैंने चीज़ें आगे खाना वगैरह खा लूँगी, क्योंकि मेरी भूख लग रही है। झूला लगाया अपने लिए था, लेकिन मैं उसे पूरी नहीं आती, छोटे बच्चों के तो मज़े हो गए, अब ये झूले खा रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं। अरे मुर्गी अजान कब दोगे, मतलब कि थोड़ी थोड़ी अजान देते हैं, इतनी ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि अभी इतने बड़े नहीं हैं बड़े, ये भी बस हो जाएंगे, दो तीन हफ्तों में अजान देने लग जाएंगे। मेरा खाना आ गया ले के मेरी सिस्टर, लेकिन ये भी खड़े हैं, मेरे बहन भाई तो ऊपर नहीं आए, तो मैंने क्या चूज़े यहाँ पे खुले खड़े रहे, मैंने चीज़ जाके ना और ना खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद ऊपर आऊँगी। बाय, मैं नीचे सो के भी खाना खा के आ रही हूँ, फिर आपसे आके मिलती हूँ। चूजू, ये चूज़ों के लिए था। मैंने खाना खा लिया है, मज़ा आ गया खा के, और ये मेरी सिस्टर ये बैठ के खाना खा रही है, इसको पता चल रहा है ऊपर झूला बना हुआ है, ऊपर आगे बैठ गई है, हेल्प करवाने, ये हेल्प करवाती ही है, बस आके ना बड़ी बड़ी चीज़ से बैठ जाती है आगे। अब मैं झूले लेती हूँ, आए हाय, क्योंकि मेरी छोटी बहन चली गई है नीचे, झूला नीचे नहीं हो गया, हाँ हाँ मज़ा आ गया। मुझे आ गया ना खाना खा रहा, फिर आके मुझे झूले भी दो। अरबाज बड़े कहाँ पे हैं, नीचे नीचे है, उनको पता चला ना, वो भी ऊपर आ जाएंगे। खाना खा के आ गई है, मुझे कहती है यहाँ से झूले से उतरो, हैं बनाया मैंने, सारी मेहनत मेरी है, बड़ी मदद नहीं करवाई, कौन सी मदद, असल तो आइडिया होता है जो मेरा क्यूट सा आइडिया है, जिसने आइडिया का काम किया है, इसलिए ऐसे झूला प्यारा सा बना है। मैं नहीं उतरती, आप मुझे आगे झूला दो। हाय हाय, आराम से दो ये ना, मैं ना चार पाई में जाकर लग जाऊँ, अलीशा आराम से, छोटा झूला ना गिरी पड़ी हूँ। मुझे अब सुकून मिल रहा है, और ये पीछे खड़े होकर मुझे ना तंग कर रही है कि झूले से उतरो उतरो, और आज मुहर्रम की मेरे ख्याल से पहले भी लग जाएगी रात को। ये ले लो, दफ़ो हो जाओ, मैं एक लेनी थी, मैं तुमसे आ रही हूँ, अब तुम लो, अब मैं रात को मैं उतार दूँगी, तुमने तो ऐसे तंग करते रहना है, बनाया मैंने था है, अब तमाशे कर रही है कि उतरो उतरो, मैं तो अपनी चीज आ रही हूँ, मैं ऊपर नहीं आऊँगी, सारा सामान लेके नीचे आ जाना, और ऊपर चूजे भी हैं, चूजों को भी बंद करते रहना, ठीक है ना, अब ना आओ, बैठ लो, अब नीचे नहीं गई हो, चलो ऊपर आओ, लाइट नहीं है, अब ऊपर ना निशा, मैं ऊपर आ जाऊँ, लाइट नहीं है,
ये नीचे चली गई थी, मम्मा ने कहा लाइट नहीं है, ऊपर चले मैं वापस ऊपर आ गई हूँ, अभी अभी ऊपर आ गई है, उठ गया मैं नहीं उतरूंगी, बस बस अब सो ही दफा हो जाओ नीचे जी। अभी मैं अम्मा अभी गिरती मैं हैं, तो अब मैं ये करूँ, खुदी बांधो, तुम कहते ना मैंने हेल्प करवाई है, खुदी करो, मेरे से मैं तो नहीं करती, खुदी करो, मैं भी देखती हूँ तुम्हें, तुम कितनी इंटेलिजेंट हो, झूला भी तरह नीचे कर दी है, तुम नीचे बैठोगी और नीचे जमीन पैदा करोगी, अब करो खुदी काम जो कुछ करना है, बड़े कहती हेल्प हेल्प नहीं हेल्प करवाई है, अब नहीं बन रहा, मजा आया, बहन कितनी अच्छी होती है, हर काम में मदद कर देती है, तुम जैसे नहीं होती, एक खुला एक खुला एक खुला लग रहा है, तुम कैसे नींद से नीचे गिरो, मजा आया, मैं तो हंस के पागल हो जाऊंगी, एक खुला है खुला है खुला है खुला है, देखे गिरा है खुल रहा है, लग रहा है खुले, मैं तो खुश हो जाऊंगी खुश, जब तुम ऐसे काम करती ना अपनी मर्जी, आप खुद ही करो जो कुछ करना है, हाई हाई ये मेरा आज का व्लॉग था जो मैंने घर बैठ के एंजॉय किया, और कल तो मैंने जाना है पढ़ने, और दुआ करना कि सब रिजल्ट अच्छा आ जाए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।